हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये कन्फर्मेशन करना है कि जो आप अपने मोबाइल फोन का कॉलिंग का रिचार्ज करवाते हैं ना, उसे आपको चेक करना है कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया है। कई बार ऐसा होता है फोन का कॉलिंग का रिचार्ज ही खत्म हो जाता है, जिसके कारण फोन में कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है, इसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन के ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके अगले पेज में अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है, जिस सिम से आपकी कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अगले पेज में आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसका अगला पेज APN का होता है, इसमें आपको नीचे रीसेट पे टैप करना है। तो आपको यहां पे लिखा हुआ आ जाता है, ये देखिए, रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए सेटिंग पेज ओपन करना है फोन का। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। रीसेट लिखेंगे तो आपको थोड़ी देर में जो है नीचे की साइड ना एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से यहाँ पे टाइप करके, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड नेटवर्क, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पेज में नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, तो आपको नीचे यहाँ पे ना थोड़ी देर में लिखा हुआ आ जाता है, ये देखिए, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा ये वाला, इसमें रिबूट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। रीसेट लिखेंगे तो आपको नीचे है ना थोड़ी देर में फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा ये वाला, इसे टैप करना है फैक्ट्री रीसेट पे, ठीक है। आपका ये पेज आएगा फैक्ट्री रीसेट का, इसे नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने, इससे आपके मोबाइल फोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।